अब कुशीनगर के लोग, कभी तो बहुत कुछ लोग कहते थे, लेकिन अब तो हवाई जहाज भी कुशीनगर से उड़ेगी और हमारा प्रयास है कि पहली फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट हो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से आज की ताज़ा और बड़ी खबर को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज कुशीनगर के दौरे पर निकले हैं और आज कप्तानगंज में उन्होंने जनता को संबोधित किया और कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर भी काफ़ी बातें उन्होंने कही है, जो कि आपने एक बात शुरू में ही सुना है। दोस्तों उन्होंने अपने भाषण के दौरान और भी कार्यों को लेकर कहा है, पूरा वीडियो आपको विस्तार में दिखाऊंगा। दोस्तों आपको बता दें सीएम योगी ने कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर बताया कि अब कुशीनगर के लोग भी भगवान बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश व दुनिया के लिए उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा एक नए एयरपोर्ट से वायु सेवा शीघ्र आरम्भ होने जा रही है और साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि अब तो कुशीनगर से हवाई जहाज भी उड़ेगा और हमारा प्रयास है कि कुशीनगर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट अंतर्राष्ट्रीय हो। एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन शीघ्र होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट के चालू होने का इंतजार हम लोग कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को भी पता है कि कुशीनगर और पूर्वांचल के लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या करना है। तो ऐसे में दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुशीनगर जिले के कप्तानगंज में आए हुए थे और उन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर जो बातें कही आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र को मैं देखता हूं तो वास्तव में विकास किस रूप में होना चाहिए उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज कुशीनगर जनपद की दो विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होगा, एक रामकोला में और दूसरा तमकुही राज में। आज हम लोग लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और यहां पर लोकार्पण भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक अभी कुशीनगर जनपद के लिए ट्रेलर है, अभी तो एक बहुत बड़ा कार्य यहां होना है। याद करिए, आपके जितने जनप्रतिनिधि चुने गए भाजपा से, इन लोगों ने लगातार मेहनत किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पहल की और अभी तो अगली विजिट में यहां मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने के लिए मुझे आना है। कुशीनगर का अपना मेडिकल कॉलेज होगा, भगवान बुद्ध को समर्पित वह मेडिकल कॉलेज कुशीनगर की जनता को भेंट करने के लिए हम बहुत शीघ्र आने वाले हैं और साथ साथ अब कुशीनगर के लोग, कभी तो बहुत कुछ लोग कहते थे लेकिन अब तो हवाई जहाज भी कुशीनगर से उड़ेगी और हमारा प्रयास है कि पहली फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के साथ कुशीनगर सीधे जुड़े, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कुशीनगर को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज आप चले जाइए श्रीलंका में, थाईलैंड में, लाओस में, दुनिया जापान में, दुनिया के 13 बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, बौद्ध देश, बुद्ध वहां पहुंचे हैं, भगवान बुद्ध वहां भारत की शिक्षा को, भारत की संस्कृति को लेके पहुंचे हैं और इसीलिए अभी उस एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन होना है, वह भी बहुत शीघ्र आपके सामने आएगा। इसलिए पहले मैंने कहा, देखता हूं जनता में उत्साह है कि नहीं है, लेकिन आपने हमारे मिथक को दूर करके भीषण गर्मी में, बाढ़ के बावजूद, कोरोना के बावजूद आपने रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहां पर लाई है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर जो इस जिले के लिए हम 400
21 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो कर ही रहे हैं, अनेक प्रकार की परियोजनाएं हैं।